देखो बेटा, अपन ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ लिए थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टाइप का क्या टाइप होता है बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें एंटीबॉडीज बनती है बेटा। क्या बनती है? एंटीबॉडीज, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज बनती है। कौन सा शेप होता है एंटीबॉडीज का? वाई शेप, ठीक है, वाई शेप एंटीबॉडीज बनती है और एंटीबॉडीज फाइट करती है। किससे फाइट करती है बेटा? जो WBC है उससे फाइट करती है, ठीक है। अब समझना, ठीक है, आप समझ, क्या समझा? देखो, मैंने आपको बताया था कि मैंने लिम्फोसाइट के दो टाइप बता दिए थे। BNT लिम्फोसाइट होता है बेटा, ठीक है। और सुनो, ये क्या करते हैं बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स करते हैं बेटा। क्या करते हैं? BNT लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, वो एक WBC है। क्या है बेटा? एक WBC है। और वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो वीडियो देख लेना भाई, पहले स्टार्टिंग का, इससे पहले वाला, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये वाला कोई मतलब का नहीं। बी और टी लिम्फोसाइट होते हैं, मैंने तुम्हें बात बता दी, ठीक है। अब सुनो बेटा, जब भी पैथोजन आता है बेटा, क्या जब भी पैथोजन आता है तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? फॉरेन सब्सटेंस को देखते हैं और क्या बनाते हैं? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? देखते हैं, बस मुंह ताकते हैं? नहीं बेटा, टी लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज बनाने के लिए। बनाता कौन है एंटीबॉडीज बेटा? बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो क्या बेटा? बी लिम्फोसाइट मेक, बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगी? ये क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, गामा एंटीबॉडीज बनाएगी। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? इसकी हेल्प करेगी। क्या करेगी बेटा? इसकी हेल्प करेगी। ये वाली बात तो मैं पिछले टर्न पर भी पढ़ा चुका था, ठीक है, ये बात बचा चुका था। एंटीबॉडीज क्या होती है बेटा? प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन का बना होता है। अभी अपन पढ़ेंगे कि प्रोटीन में भी क्या बेटा, हैवी चेन, लाइट चेन उसकी बनी रहती है बेटा। प्रोटीन में भी होती है, दो चेनें होती हैं, ठीक है, हैवी प्रोटीन चेन, लाइट प्रोटीन चेन, उसकी कौन बनी रहती है बेटा? एंटीबॉडीज बनी रहती है। और दूसरी बात, ये वाई शेप होती है। कैसा शेप होती है बेटा? वाई शेप की होती है बेटा, ठीक है। अब तीसरी बात बेटा, ये समझना कि बेटा ये जो है, ये क्या करती है? एंटीबॉडीज क्या करती है? फाइट करती है पैथोजन से। क्या करती है? फाइट करती है पैथोजन से, और है ना, शरीर को, हमारी बॉडी को बचाती है बेटा। किससे बचाती है? पैथोजन से। सर, पैथोजन क्या होता है? तो बेटा मैं बता चुका हूँ, पैथोजन यानी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह, वो पैथोजन होता है बेटा, ठीक है। वायरस या बैक्टीरिया वो क्या होता है बेटा? पैथोजन होता है, ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये उससे बचाती, कौन बचाती बेटा? एंटीबॉडी। कैसे? एंटीबॉडी मारती है बेटा। किसको मारती है? किसको मारती है? पैथोजन को मारती है, अटैक करती है। किसके ऊपर? पैथोजन के ऊपर। कौन बेटा? एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है किसको मारेगी बेटा? किसको मारेगी? ये पैथोजन को मारेगी, पैथोजन पर अटैक करेगी, बैक्टीरिया पर अटैक करेगी और उसको मार डालेगी, खत्म कर देगी। आई बात समझ में? तो ये एंटीबॉडी है, ठीक है बेटा। अब सुनो, मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या बेटा? टी लिम्फोसाइट कह लो, ठीक है, या क्योंकि लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या बेटा? WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, तो सेल भी कहते हैं बेटा इसको। तो टी लिम्फोसाइट कह लो या टी सेल कह लो, बात एक ही है बेटा। टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल, एक ही बात है, ठीक है। चलो, टी लिम्फोसाइट और टी सेल ये क्या करती है? हेल्प करती है बी सेल को क्या बनाने में? एंटीबॉडी बनाने में। ये बात मैं बोल चुका हूँ पहले, ठीक है। अब सुनो, एंटीबॉडीज जो होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ब्लड में रिलीज होती है। कहाँ पर रिलीज होती है बेटा? ब्लड में रिलीज होती है, ठीक है। कहाँ पर रिलीज होती है? ब्लड में ही बेटा, सब कुछ ब्लड में चल रहा है। WBC भी कहाँ होती है? WBC, ये बेटा ब्लड, सर ये ब्लू कलर का ब्लड कब से हो गया बेटा? होता है वैसे, ब्लू कलर का ब्लड होता है बेटा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो ब्लू कलर का होता है बेटा, वो जो वीन्स में रहता है बेटा, जो वीन्स में रहता है। अभी सर हमें तो लाल ब्लड ही ज्यादातर हमने देखा, तो लो बेटा लाल ब्लड देख लो, ठीक है बेटा। तो लाल ब्लड में क्या होगा? लाल WBC होगी? नहीं बेटा, WBC तो हमेशा व्हाइट ही होगी। तो सर व्हाइट व्हाइट कैसे? तो बेटा व्हाइट बनाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो चलो व्हाइट भी बना करके देखता हूँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ दिख पाएगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर की WBC होती है, सुनना बेटा, ठीक है, अब समझना, ठीक है। अब देखो, व्हाइट कलर की WBC होती है, और ये जो व्हाइट कलर की WBC होती है बेटा, क्या काम करती है बेटा? दिख रहा है व्हाइट कलर? व्हाइट कलर नहीं दिखेगा बेटा, क्योंकि पीछे भी व्हाइट कलर है, ठीक है। तो व्हाइट कलर नहीं बना के मैं उसको ब्लैक कलर का WBC बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये WBC है, ठीक है बेटा, ये WBC है। और बेटा ये जो WBC है, ये क्या करेगी? समझना बेटा, ये क्या करेगी WBC? ये WBC बनाएगी, क्या बनाएगी बेटा? एंटीबॉडीज। क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज। ये लो भैया, एंटीबॉडीज बना दी, ठीक है। और एंटीबॉडीज भी कहाँ बनाएगी बेटा? ब्लड के अंदर ही तो बनाएगी। ये क्या है? WBC, ठीक है, ये WBC है,
है, और क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी बेटा, क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है तो लो भाई एंटीबॉडीज बनवा लेते हैं इससे। ठीक है तो ये कौन सी है, बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है अब सुनो, ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और ये एंटीबॉडीज कहाँ पर आएंगी, ब्लड में ही होंगी ना कि हवा में होंगी बेटा। जब WBC खुद भी ब्लड में है तो बेटा जो एंटीबॉडी बनाएगी वो भी तो ब्लड में बनाएगी। आ रही बात समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो भी किस में बनेंगी, ब्लड में बनेगी, ब्लड में बनेंगी। इसलिए उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, ठीक है ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। आई बात समझ में, ठीक है। ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स यानी क्या होता है, जब अगर ब्लड में एंटीबॉडीज जब रिलीज हो जाती हैं, इसलिए उसको नाम क्या रखा गया है, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स रखा गया है। बाकी जो है पूरा का पूरा डिटेल में ये तो कुछ नहीं एक्सप्लेन कराया, पिछले टर्न पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया क्या एंटीबॉडीज होती है, कैसे क्या बनती है। इसलिए पुराना वाला वीडियो भर जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया सबको, इतना सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े बेटा। यस सर। किस किस को आ गया ये बात समझ में, नवाब कैसे आ गया तुम्हें समझ में, भाई आ रहा नहीं चाहिए था। राधिका समझ में आ गया, रोहित वर्मा आ गया समझ में, आप बोलो तो एक्सप्लेनेशन आ गया, सोनू वर्मा आ गया, राज राजपूत आ गया समझ में, अर्षित जैन नहीं आया, वेरी गुड। चलो अब सुनो बेटा, आज वीडियो नहीं मिलेगी, मजे का ठीक है, तालियां बजाएंगे, आज वीडियो नहीं भेजेंगे, ठीक है ये सही रहेगा। ठीक है अपन ने वीडियो की गलत आदत डाल दी है, सर वो सर एंटीबॉडीज बनाती है, और सर जो टी लिम्फोसाइट होती है सर वो बी की हेल्प करती है टी लिम्फोसाइट बनाने में, और सर बी लिम्फोसाइट सर वही सर एंटीबॉडीज बनाती है, जैसे सर पैथोजन पे अटैक करते हैं सर एंटीबॉडीज जो हमारे ब्लड में बनाई जाती हैं सर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती हैं और सर ये पैथोजन से लड़ती हैं, और सर टी लिम्फोसाइट होती हैं सर वही बी की हेल्प करती हैं, और सर सर जो एंटीबॉडीज होती हैं सर ये सब ब्लड में होती हैं सर, इसलिए सर इन्हें सर ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कहा जाता है सर। क्योंकि एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स को मैंने एक बार बताया था ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। यस सर। चलो वो तो बात ठीक है, अभी जो ये कैसे बी की हेल्प करती है, कैसे बी एंटीबॉडीज बनाती है, ये सब तुम्हें कुछ पता है? नो सर। डिटेल ये तो तुम एनसीईआरटी में पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। चलो एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ये लिखा हुआ है, बाकी ऐसे ही पढ़ लोगे, लेकिन डिटेल में समझना हो तो ये पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, कुछ अलग ही मिलेगा, नई चीज। यस सर। सबको आ गया, सबको आ गया भाई, कैसे क्या करती है बी मैं बता चुका था, बी कैसे टी कैसे हेल्प कर रही थी बी की, याद है टी लिम्फोसाइट कैसे देखती है, मैंने तुम्हें बताया था, मैक्रोफेजेस भी आई थी, याद आ रहा है किसी को, कुछ पुराना पुराना कुछ गलती से याद आ रहा हो किसी को, गलती से कुछ याद आ रहा हो कि भाई मैक्रोफेजेस कैसे हेल्प कर रही थी, और ये सारी सब चीजें मैंने तुम्हें बताया था। बी सिस्टम एक वर्ड लिख दिया और एक लाइन लिख दी और लाइन समझ में आ गई, लेकिन जरूरी नहीं है टी सी बी कैसे हेल्प कर रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कैसे स्टिमुलेट कर रही थी बी को, किस तरीके से, किस केमिकल्स की हेल्प से स्टिमुलेट की जा रही थी, कौन सा केमिकल का क्या नाम था कोई बताएगा? टाइप्स बताए थे, याद आ रहा है? तो बेटा वो जो वीडियो देखेगा वो समझ में आ जाएगा। चलो अब बेटा ये बात समझ में आ गई वाला, आगे चले बेटा। चलो वाला वीडियो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है? क्योंकि ये तो ऐसे ये तो सिंपल है, कोई भी बुक वगैरह में लिखा रहता है ऐसा, वो थोड़ा बहुत समझ में आया था, लेकिन डिटेलिंग जो होगी वो वीडियो से, जो कल वाला वीडियो उसी से ही समझ में आ रहा है अच्छे से कि कैसे क्या होता है, ठीक है? चलो अब समझना बेटा, देखो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन तो हो ही चुका था, अब बात करते हैं बेटा एंटीबॉडीज क्या होती है, ठीक है? पहले एक मिनट, सेल मीडिएटेड होगा,
देखो ये रही सेल, देखो भैया ये भी बता देते हैं, वैसे तो हम ये सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं, मतलब ही नहीं। कल अपन ने मैक्रोफेजेस का रोल पढ़ लिया था, ये सब मैंने पढ़ाई दिया था याद है, ठीक है। मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये सब बता दिए थे। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, लिम्फोसाइट क्या होती है, कितने प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती है। तो सेल मीडिएटेड यानी जिसमें सेल हो, सेल कौन कौन से, सारे के सारे ये सेल्स है बेटा, ये भी एक सेल है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। मैक्रोफेजेस सेल्स बताए थे याद आ रहा है, मैक्रोफेजेस खा जाते थे याद आ रहा है, बैक्टीरिया को खा जाते थे, न्यूट्रोफिल्स भी बैक्टीरिया को खा जाते हैं। तो बेटा ये तीनों के तीनों सेल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ठीक है। और बेटा ये भी लिखा हुआ है देखो, टी सेल्स आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड सेल व्हिच एक्सप्रेस एंटीजन ऑन इट्स सरफेस बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस, याद आ रहा है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी भैया, जो टी सेल्स होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, सबसे पहले कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस खा लेते हैं, मैंने याद आ रहा है, मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया जो होते हैं वो, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया को खा लेते हैं। बैक्टीरिया को खाने के बाद वो अपने कहाँ पर दिखा देते हैं, कहाँ पर दिखाते हैं, रिसेप्टर पर दिखाते हैं, रिसेप्टर पर दिखाने के बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये देखो दिखा दिया कि भैया ये देखो टी सेल आता है, कौन आता है, टी सेल आता है और देखता है कि भैया ये बैक्टीरिया है, क्या है, ये बैक्टीरिया है, इसको दिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बैक्टीरिया को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया को दिखाया जा रहा है, ये बैक्टीरिया है बेटा, क्या है, बैक्टीरिया को ये टी सेल देखता है, और टी सेल क्या करता है, टी सेल जो है वो बताता है, किसको बताता है, ये इंफॉर्मेशन किसको बताता है, साइटोकाइंस की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, साइटोकाइंस की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो साइटोकाइंस होते हैं वो ही हेल्प करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये एक दूसरे से बात नहीं कर पाती सेल, उनके पास मुंह तो होता नहीं है सेल्स के पास, तो बेटा साइटोकाइंस की हेल्प से ये जो टी सेल है बेटा, टी सेल है जिसने क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को देखा था, क्या देखा था बेटा, इस बैक्टीरिया को देखा था, तो उसने किसको बोल दिया, उसने किसको बोल दिया, इस बैक्टीरिया को देख करके इसने ये सबको ढिंडोरा पीट दिया, किस किस पे ढिंडोरा पीट दिया था बेटा, याद आ रहा है, किससे, किस किस को ढिंडोरा पीटा, टी सेल्स ने किसके ऊपर ढिंडोरा, एक तो बी सेल्स को, बी सेल्स को ढिंडोरा पीटा था, और टी किलर सेल्स को, याद आ रहा है, टी किलर सेल्स के ऊपर भी ढिंडोरा पीटा था, ठीक है। तो बेटा ये टी किलर सेल्स भी खा जाएगी, ठीक है, और बी सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, बी सेल्स वाला तो एंटीबॉडीज बनाएंगी, टी सेल्स क्या होंगी, डायरेक्ट इसको खा जाएंगी, टी किलर सेल्स है वो डायरेक्ट क्या कर देंगी, छेद कर देंगी, किल कर देंगी, केमिकल डाल देंगी इसके अंदर सीधा, और केमिकल क्या कर देगा, छेद कर देगा और उसको छेदी सिंह बना देगा, याद आ रही है ना मस्त वाला छेदी सिंह, याद आ रहा है छेदी सिंह हमारा, तो बेटा वो छेदी सिंह करके छेद कर देगा इसमें, ठीक है। ये कहानी पिछले टर्न पर पूरी मैंने आपको करण सर की जवानी बता चुके हैं, ठीक है। अब सुनो बेटा ये बात लिखी हुई है सिंपल सी, कि जो टी सेल्स होते हैं वो किसका सहारा लेते हैं, ठीक है, एंटीजन का सहारा, किसका, एंटीजन को एक्सप्रेस करते हैं, टी सेल्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और बता ये टी सेल्स, देखो टी सेल्स ने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, देखो टी सेल्स था, इसने अपने रिसेप्टर से, टी सेल्स ने क्या किया, अपने रिसेप्टर से बेटा किसको आइडेंटिफाई किया, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया, साइटोकाइंस की हेल्प से, साइटोकाइंस की हेल्प से, साइटोकाइंस क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं साइटोकाइंस, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के, तो बेटा ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, तो बेटा प्रोटीन के हेल्प, प्रोटीन के बने रहते हैं साइटोकाइंस, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये प्रोटीन्स के बने रहते हैं, और बेटा ये प्रोटीन्स के जो बने रहते हैं, समझना है बेटा, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स के बने रहते हैं बेटा, ये जो प्रोटीन्स के बने रहते हैं कौन, साइटोकाइंस, उन प्रोटीन्स की हेल्प से ये टी सेल किससे बात करती है, टी किलर सेल से और बी सेल से, ठीक है। और इन फिर ये टी किलर सेल जो होंगे वो छेद कर देंगे बैक्टीरिया के अंदर, और जबकि बी सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ये जो एंटीबॉडीज होंगी बेटा, ये जो एंटीबॉडीज होंगी ये लड़ेंगी, किससे लड़ेंगी, इनफेक्ट बैक्टीरिया वगैरह से लड़ेंगी, आई बात समझ में। सुनो बेटा, देखो बेटा ये बात भी समझना, देखो अब तुम्हें ये वाली बात तो मैं बता चुका था, अब बात समझना आगे की, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है, जिसको नहीं आई है ये वाली बात, किसको नहीं आई बताओ बेटा, किसको नहीं आई वाली बात जो मैंने समझाई, आज तक से हारे आ गई थी वाली बात, आज तक से हारे, अरे चली गई क्या, गुम हो गई, आज तक से हारे, हनी कुशवा आ गई थी, मेघना गोरखपुर आई गई होगी, नकुल आ गई थी बेटा ये बात, नकुल नवाब नहीं आई होगी, थोड़ी थोड़ी आ रही है सर, कैसे आ रही है, तुम्हें तो कुछ पूछला वाला पढ़ना, ठीक है, प्रियंका बघेल आ गई, राधिका आ गई, राज राजपूत आ गई,
रोहित वर्मा आ गई, यस सर आ गई, सबको आ गई, सोनू केन आ गई, पिछले टर्न पर आए थे ना सोनू केन, हाँ सर आ गई, आ गई ना पिछले टर्न पर, मैंने बताई थी बेटा ये बात, कुछ नहीं है सिंपल बात है, ये मैक्रोफेजेस पहले बैक्टीरिया को खाती हैं, मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, पहले बैक्टीरिया को खाती हैं और खाने के बाद अपने सेल रिसेप्टर पर दिखा देती हैं, अपने रिसेप्टर पर ये दिखा देती हैं, रिसेप्टर पर दिखाने के बाद टी सेल आती हैं और टी सेल क्या करती हैं, देखती हैं कि भैया आराम से कि यार ये जो बैक्टीरिया है, अच्छा ये बैक्टीरिया है तूने खाया, हाँ मैंने खाया, अच्छा बैक्टीरिया को तूने खा लिया, हाँ खा लिया, अच्छा मैं अभी वाली बात जो है ये नारद मुनि की तरह सबको बताती फिरूंगी, मैं टी सेल हूँ और ये सारी टी कौन सी, टी भी कौन सी, इन्होंने तो सिर्फ सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक्स है वो सिर्फ लिख देती टी सेल, उनको मतलब नहीं कौन सी टी किलर, कौन सी टी हेल्पर, तो बेटा ये टी हेल्पर सेल्स होती है, कौन सी सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स होती है, तो ये टी हेल्पर सेल देखो बी सेल्स से क्या बनवा रही है, एंटीबॉडी बनवा रही है, ये देखो लाइन क्लियर हो गई आपकी, टी हेल्पर सेल्स क्या बना रही है, टी भी, टी में भी कौन सी एक होती है टी हेल्पर सेल्स, वो क्या करती है हेल्प करती है किसकी, बी सेल्स की एंटीबॉडीज बनाने में, और ये टी हेल्पर सेल्स किससे, साइटोकाइंस की हेल्प से किसको, टी किलर को आदेश दे रही है कि भैया तुम भी है ना डायरेक्ट सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करो, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करो, सेल्स जो है उसको खा जाओ, बैक्टीरिया को खा जाओ या केमिकल रिलीज कर दो जिससे बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाए, इतनी बार सबको समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं आई है एक बार वीडियो देख लेना, बार बार रिपीट कितनी बार करूँ भाई, ठीक है 10 बार उसमें वीडियो में एक बार जरूर देखना जिसने नहीं देखा वो वीडियो, और बेटा मैं तो कह रहा हूँ जिसने देख भी लिया है वो भी देख लेना, ठीक है आपको बहुत अच्छा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो वो आपको अच्छे से आ जाएगा, नहीं तो बेटा पूरी इम्यूनिटी चैप्टर खत्म, बिना वो बिना कल के वीडियो के, जिसने कल वीडियो नहीं ली थी मतलब वो खत्म बर्बाद, अगर और फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो दे दी गई है एक बार देख लेना उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो अगर लिख के आ गया ना बंदा एनसी वाली चीज लिख के आ गया ना, तो कहेगी टीचर कहेगी भाई साहब इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी, लो 5 की जगह 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है वो दे देगी तुम्हें, ठीक है क्योंकि वो चीज बहुत ही खतरनाक चीज है, अच्छे अच्छे टीचरों को मालूम नहीं है, और सिंप्लीफाइड डायग्राम के फॉर्म में बताई थी तो मालूम भी होगी, तो डायग्राम वायग्राम से नहीं आता टीचरों को, ठीक है तो वो जो स्कूल की होती है वो अगर डायग्राम मिल जाएगा तो तुम्हारी स्क्रीनशॉट ले लेंगी, कैमरा लेकर देख लेना कई बार तो, ठीक है क्योंकि वो कहीं मिलेगा नहीं ना किसी बुक में मिलेगा वो, ठीक है वो सिंप्लीफाइड डायग्राम मेरा ही था, ठीक है अब समझना, देखो भाई देखो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ना बेटा, देखो बेटा ये फॉर ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट आई लिवर किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सुटेबल डोनर, आप जानते होगे बेटा, यहाँ से समझ लेना बेटा कि देखो अब अपन पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में, कि भाई इम्यूनिटी तो अच्छी है हमारी, अच्छी है हमारे लिए, शरीर के लिए इम्यूनिटी अच्छी है, ये जैसे क्या हेल्प कर रही है, मार रही है बैक्टीरिया को, लेकिन अभी डिसएडवांटेज क्या है इम्यूनिटी के, ज्यादा इम्यूनिटी भी खराब है, हर चीज की अति खराब है, कहते हैं कि नहीं कहते बेटा, हर चीज की क्या खराब है, अति खराब है बेटा, ठीक है तो ऐसे ही अति अब खराब हो रही है बेटा, कैसे देखना बेटा, कैसे देखना यहाँ से, अब अच्छे से क्लियर समझना, वो तो पुराने टर्न का था यारा समझना, ठीक है यहाँ से देखो बेटा, ये जो हार्ट लिवर आई किडनी बेटा, ये सारे के सारे आप जब भी आप देखते होगे बेटा कोई एक्सपायर हो गया किसी एक्सीडेंट से, ऐसे नहीं एक्सीडेंट से अगर कोई एक्सपायर होगा तो बेटा उसकी जो है वर्किंग स्टेज में होंगी क्या, आंखें वगैरह, ठीक है आंखें वगैरह वर्किंग स्टेज में होंगी एक टाइम तक, लिमिट तक, ठीक है 6 घंटे तक या कुछ लिमिट तक वो उसकी आंखें वगैरह सब काम कर रही होंगी, क्योंकि वो ऐसे नहीं मरा, ऐसे मरता तो बेटा सब धीरे धीरे सब खत्म हो जाता, ठीक है आंखें खत्म, वैसे तो सब खत्म हो जाता जब कोई एकदम ऐसे अचानक से हार्ट अटैक या किसी और एक्सपायर होता है, तो हार्ट अटैक से हर्ट गया तो बेटा धीरे धीरे आईज को भी सप्लाई नहीं मिल पाती तो वैसे निपट जाता, लेकिन एकदम कोई एक्सीडेंट से मरता है तो वो जरूर जरूर ऐसे पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, कोई एक्सीडेंट से या किसी पिस्तौल से मारा गया हो तो बेटा उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम से उसका हार्ट वगैरह लिवर वगैरह किडनी जो कि फंक्शनिंग स्टेज में होते हैं, ठीक है उसको अपन जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं और उसको और जमा कर लेते हैं, ठीक है जमा कर लेते हैं, बैंक होते हैं उसके, जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे हर्ट स्टोर करने का बैंक बैंक होता है, आई स्टोर करने का बैंक होता है, ठीक है आई आई के लिए आई भी स्टोर होती है, ठीक है वो जब भी किसी को जरूरत हो तो आई की कॉर्निया जो होती है आगे की वो दे दी जाती है, लिवर भी मिल जाते हैं, तो बात वो नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि बेटा आपने देखा होगा किसी के पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को किडनी दान देते हैं, मतलब किडनी दान क्या मतलब किडनी देते हैं किसी बच्चे की खराब हो जाती है तो भैया बच्चा नशेड़ी है, आज कई जगह बहुत जगह चल रहा है बच्चा नशेड़ी है तो भैया उसका हो गया लिवर खराब, तो बेटा उसकी माँ जो होती है वो अपना छोटा लिवर काट करके वो अपने ना दे देती है किसको, अपने बेटे को,
तो सर वो जो माँ का जो लेवर है उसका क्या होगा, माँ काट के दे देगी तो माँ निपट जाएगी? बेटा नहीं, माँ नहीं निपटती। क्यों? क्योंकि जो लेवर होता है बेटा, लेवर के पास रीजनरेशन की पावर होती है। ये बात एक नहीं पढ़ रहे होगे, लेवर के पास एक रीजनरेशन की पावर होती है बेटा। क्या होती है? रीजनरेशन की पावर होती है। और बेटा वो रीजनरेट हो जाता है। क्या क्या हो जाता है रीजनरेट बेटा? लेवर। कौन बेटा? लेवर रीजनरेट हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो लेवर रीजनरेट हो जाता है। तो बेटा ऐसे माँ से बेटे का तो चलो ठीक है, माँ से बेटा, बाप से बेटा, इतना तो चलो ठीक चले जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बेटा दूर का रिलेशन चले। ठीक है, तो दूर के रिलेशन में किडनी भी ट्रांसफर नहीं होती। कभी किडनी भी तुमने देखा होगा कि जब भी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है तो वो कहते हैं अपने माँ बाप या भाई से, पहले कोशिश करते माँ या बाप से क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और अगर मान लो माँ या बाप से, और नहीं तो फिर भाई बहन से। ठीक है, माँ बाप से, अगर माँ बाप की भी किडनी सही नहीं है तो फिर भाई बहन से, और फिर भाई बहन की भी अगर नहीं मिल मैच नहीं करती तो बेटा फिर वो करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुमने ले लिया, सुनो एक्चुअल में क्या होता है कि सुनो, मान लिया एक सूटेबल डोनर होना जरूरी चाहिए, मतलब भाई बहन या रिश्तेदारी चाहिए। अगर तुमने किसी और का मान लो तुमने अपने फ्रेंड की किडनी ले ली, आज बेटा तेरी किडनी निकालता हूँ, आजा आजा, तुमने कहा तेरी किडनी निकाल लेता हूँ अपने भाई फ्रेंड से, तो मेरे को जरूरत है, अपनी किडनी निकाल करके मुझे दे दे। ठीक है, तो तुमने रात ही रात में उसका दारू वारू पिला करके उसका नशा करके उसकी किडनी निकाल ली और तुमने अपने में डालने की कोशिश करी। ठीक है भाई, ऐसे कोशिश मत करना। ठीक है, या डॉक्टर वॉक्टर को बुला लिया सर्जिकल, उसकी किडनी भी निकाल ली रात ही रात में। ठीक है, उसको ड्रग्स व्रग्स देके, लेकिन वो तुम्हारी किडनी किसी काम की नहीं रहेगी। तुम जैसे ही उसको लगाने जाओगे अपनी बॉडी में उसको फिक्स करने जाओगे, किसको बेटा? किडनी को। अपनी बॉडी में जैसे ही फिक्स करने जाओगे कि भैया मैं किडनी अपनी बॉडी में फिक्स कर दूं, तो बेटा तुम भी निपट जाओगे, किडनी भी निपट जाएगी। आई बात समझ है? मतलब एक तो उसने फ्रेंड के साथ गलत किया, अब ये उसके साथ ही गलत हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था ना, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम था वो खतरनाक है। वो क्या करेगा? देखेगा, अरे ये तो बाहर का है, कोई ब्लू कलर की चीज आई है, बाहर की है, तो हमारी तो है नहीं ये तो किडनी, तो सीधा अटैक कर देता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन है? कुछ नहीं है। इम्यून सिस्टम कोई आदमी नहीं है जो अंदर बैठा है। इम्यून सिस्टम यानी WBC, हमारे WBC। तो वो जो WBC है ना हमारे, वो अटैक करना चालू कर देते हैं। किसके ऊपर? सीधा जो भी आया ऑर्गन उसके ऊपर अटैक करना चालू। आई बात समझ में? जो भी आया होगा बेटा जैसे, तो उसके ऊपर क्या होना चालू हो जाएगा बेटा? अटैक होना चालू हो जाएगा। अटैक, ठीक है, लेट्स अटैक। ठीक है, लेट्स अटैक। ये देखो ये WBC है, तो ये जो अब ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। ठीक है, छोटा मुंह, ठीक है, शरीर बड़ा, तो तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। ये छोटा मुंह शरीर बड़ा, ठीक है। अब देखो, तो ये जो तुमने किडनी लगाई, इस किडनी के अगेंस्ट कौन आ जाएगा? हम तुम्हारे आ जाएंगे खुद के WBC। कौन आ जाएंगे? खुद के WBC आएंगे और इसको खा जाएंगे, निपटा देंगे। तो तुमने किडनी ली अपने फ्रेंड से और फ्रेंड की किडनी को निपटा दिया, यहाँ तक कि इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आएगा कि तुम खुद भी निपट सकते हो बेटा। इसलिए ऐसा कभी मत करना, फ्रेंड के साथ अपने कभी गलत मत करना बेटा। तो बेटा ऐसे नहीं करना। एक्चुअल में क्या होता है, चेकिंग होती है बेटा, सूटेबल डोनर होना जरूरी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, वो है ना बेटा, हमारे इम्यून सिस्टम के पास आइडेंटिटी है कि कौन 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 है ना, अपना है कौन पराया है, कौन पड़ा है अपना है कौन पराया है, जो उसके पास आइडेंटिटी है। नहीं तो आपका जो आपने ग्राफ्ट डाला था, ये जो ग्राफ्ट डाला था, क्या का ग्राफ्ट डाला था? किडनी का ग्राफ्ट। क्या डाला है तुमने? किडनी का जो ये ग्राफ्ट डाला है, किडनी का जो ये ऑर्गन डाला है, वो किडनी का जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे? वो रिजेक्ट हो जाएगा, हमारी हमारी जो बॉडी है उसे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर तू हमारी बॉडी का नहीं है तो तू बचेगा। ये बात ध्यान रखना। कैसे? अभी हम अपने WBC बुलाते हैं, अभी हम अपने WBC बुलाते हैं, सारे तेरे ऊपर अटैक करेंगे। आओ भाई आ जाओ, चलो अटैक करो, सीधा अटैक करते हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर सारा पूरा किडनी खा जाते हैं। किडनी तो छोड़ो, इतने खतरनाक हो जाते हैं कि दो चार किडनी के बगल वाला जो ऑर्गन होगा, दो चार, वो भी निपटा देंगे। और अगर किडनी के साथ बगल वाले दो चार ऑर्गन और निपटा दिए, तुम भी निपट जाओ।
आई बात समझ में? तो कर भला तो हो बुरा, और कर भला तो हो भला, और कर बुरा तो हो बुरा, ठीक है? इसलिए मत करना, ठीक है? अब सुनो क्या होता है ये बात, हमेशा ग्राफ्ट जब भी लेते हैं बेटा, ग्राफ्ट यानी बेटा यही किडनी लेना यानी ग्राफ्ट लेना, ठीक है? किडनी का पार्ट लेना या लिवर का पार्ट लेना या ग्राफ्ट लेना एक ही बात है, ठीक है? जब भी आप ट्रांसप्लांट करोगे बेटा तो आपको है ना किससे कही, जरूरी नहीं है, कुछ लोग तो किडनी लगा लेते हैं, किसकी किसी किडनी लगा लेते हैं बेटा, किस किडनी लगा लेते हैं लगा लेते हैं, ठीक है? या दूसरे किसी मंकी की, चिंपांजी, वो भी तो हमारे जैसे ही है ना, तुम मंकी से कम हो क्या? तुम भी यूं करते हो खुजली, वो भी मंकी भी खुजली करते हैं, ठीक है भाई? तुम मंकी से खुजली, मंकी से कम नहीं हो, तुम मंकी ही हो, आपसे तुम लोगों को मैं मंकी ही बुलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि तुम मंकी से ज्यादा रिलेटेड हो, ठीक है? मंकी, एप्स, ठीक है, गोरिल्ला, तो बेटा अगर पूछा जाए इन सब में भी सबसे ज्यादा हम किससे ज्यादा दिख मिलते हैं, तो एप्स से बेटा, किससे सबसे ज्यादा मिलते हो? एप्स से। तो फिर सर ये कहीं पढ़ेंगे क्या? हाँ बेटा ये पढ़ोगे, अभी इवोल्यूशन चैप्टर आएगा तब पढ़ोगे, और हो सकता है नहीं पढ़ो इवोल्यूशन चैप्टर क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया इस साल, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है? लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरे प्राइमेट, प्राइमेट का मैंने बता दिया, प्राइमेट को कैसे बचाने, प्राइमेट यानी वो होते हैं, याद रखना बेटा, मैन ट्रिक्स याद रखना, मैन कौन, मैन सर, मैन तो होता ही प्राइमेट है, हाँ बेटा वो तो ठीक है। एम यानी बेटा मैमल्स, एम यानी मैमल्स, ए यानी मैंने बताई थी याद है ना कुछ, मैन नहीं हम, नहीं वो मैन नहीं था, सॉरी हम था, हम ट्रिक याद बताई, हम बताई थी, हम बताई थी ट्रिक मैन प्राइमेट्स की, ठीक है? हम प्राइमेट्स है ना, हम प्राइमेट, सही बात है। कौन कौन बेटा, एक तो ह्यूमन एप्स और एक मंकी, ह्यूमन एप्स मंकी, इनमें से किसी का भी तुम है ना वो ले सकते हो, ग्राफ्ट ले सकते हो, ठीक है? तो कई बार अच्छा तो वो रहता है बेटा, सच बात बता रहा हूँ, अब है ना सच बात बता रहा हूँ, अपने फ्रेंड से अच्छा आप अगर अपने मंकी से अगर आप ग्राफ्ट ले लोगे तो ज्यादा अच्छा, सच बात बता रहा हूँ, रियलिटी है। कई बार जब कोई कहीं नहीं मिल रहा, रिलेटिव पहले क्या ढूंढते हैं, पहले मदर फादर, मदर फादर के बाद फ्रेंड्स, तो सॉरी मदर फ्रेंड्स फादर के बाद भाई बहन, ठीक है? भाई बहन के बाद दूर के मतलब रिलेटिव्स, पर दूर के रिलेटिव, और उसके बाद जब फ्रेंड की बारी आती, फ्रेंड तो कहीं से कहीं तक रिलेटिव नहीं होता, ठीक है? मतलब ज्यादातर केस कह रहा हूँ, ठीक है? तो आपका, आप भी कोई जितने भी बने जाने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कोई किसी का रिलेटिव तो होगा नहीं, दूर दूर का रिलेशन होंगे, अगर निकाल पाओगे तो बहुत दूर, ठीक है? तो अब तो आप अगर आप करोगे क्या भैया, तो आप अगर आप मत करना, फ्रेंड से मत लेना, इससे अच्छा है फ्रेंड्स की जब बारी आ जाए, फ्रेंड्स तक बात पहुंच जाए, तो इससे अच्छा है आप सीधे एप्स पर चले जाना, इसके ऊपर एप्स या मंकी पर चले जाना, और उससे मंकी को उधेड़ ले आना, किडनी ले आना, ये कैसे ले आना मंकी से, और अपने में लगा देना, फिर भी पॉसिबिलिटी है एक बार कि आप बच जाओ। और अगर आपने अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ हरकत दे दी बेटा, समझ आ गई बात, ध्यान रखना। तो बेटा या तो प्राइमेट्स की ली जाएगी या किसी एनिमल्स की, दूसरे या फिर ह्यूमन बींग्स की, वो भी रिलेटिव में, ठीक है, ली जाती है। तो बेटा सुनो, तो बेटा कई बार वो रिजेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, कई बार रिजेक्ट हो जाती है, सूनर और लेटर, जरूरी नहीं है कि बेटा एकदम ही तुमने डाली किडनी और एकदम निपट गए, ऐसा नहीं होगा। एक आध दिन रुको, ठीक है, एक आध दिन रुको। अब जैसे जिस दिन अपने उसको फ्रेंड को पता पड़ेगा कि मेरी किडनी गायब है, तो वो तुमने देगा बद्दुआ क्या, तब उसी दिन दूसरे दिन तुम निपटोगे, ऐसे नहीं होगा, मतलब दो चार दिन लग जाएंगे, ठीक है, दो चार दिन लग जाएंगे, वो भी ढूंढेगा जब तक किडनी कोई गायब तो नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं, दो चार दिन उसको भी लग जाएंगे देखने में, क्योंकि एक किडनी के सहारे आदमी जी सकता है नॉर्मली, ठीक है बेटा, नॉर्मली आप एक किडनी के सहारे आप जी सकते हो, तो ठीक है, दो तीन दिन वो भी जी लेगा, ये भी जी लेगा, और ये तो जो फ्रेंड है वो तो जी लेगा आप, क्योंकि किडनी एक भी हो तो भी चल जाता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेगा, एक आध साल कम हो जाएगी और क्या, बाकी नॉर्मली वो जी सकता है, अगर वो आपका जो फ्रेंड है अगर सही पानी वानी ले और सब कुछ अच्छा तरीके से ले, अल्कोहल वगैरह नहीं पिए, तो वो आगे तक और अच्छा चल जाएगा, लेकिन आपने फ्रेंड के लिए बट आप नहीं बचोगे, क्योंकि एक या दो दिन में इसका वो आ जाएगा रिजल्ट, एक या दो दिन के अंदर, ठीक है, और कई बार एक महीना भी लग सकता है भाई, तुम लोगों ने कुछ ऐसा फ्रेंड ले लिया, कहते हैं ना फ्रेंड का फ्रेंड, खून से खून का रिश्ते वाला फ्रेंड ले लिया तुमने,
कहते हैं ना बहुत ज्यादा जिसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है वाला, तुमने दोस्त पकड़ लिया ठीक है, या उसकी तुमने किडनी ले ली, तो जो ज्यादा गहरा रिश्ता होगा ना दोस्ती का, तो बेटा वो एक आध महीने झेल जाएगा ठीक है, वाली किडनी एक आध महीने झेल जाएगी, लेकिन सूनर और लेटर वो निपटना तो है ही बेटा ठीक है। ठीक है, अब इस बात ध्यान रखना। तो पहले क्या होता है, इसलिए ना सबसे पहले चाहे कुछ भी लो, चाहे आप ब्लड क्यों ना लो, आप ब्लड भी लोगे ना अपने फ्रेंड से तो बेटा उसकी मैचिंग होगी। कई बार ब्लड आप ले सकते हो फ्रेंड से, जरूरी नहीं है ब्लड तो ज्यादातर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादा तक, लेकिन ब्लड लेने के समय पे भी ऐसा कहा जाता है कि अपने रिलेटिव से लो तो ज्यादा अच्छा है ठीक है, अपने भाई बहन और रिलेटिव के लो तो ज्यादा अच्छा है। और ब्लड ब्लड की कहानी थोड़ी अलग है भाई, ब्लड तो उसमें कुछ ज्यादा वो उसमें अटैक वो नहीं होता, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती ब्लड में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो आप सबसे पहले मैचिंग करा लो, क्या करा लो मैचिंग, कुछ शादी.com चल रही है जो मैचिंग करा है? नहीं, मैचिंग मतलब ये टिश्यू की मैचिंग बेटा, जो आपका टिश्यू है उसका किडनी का एक छोटा सा पीस कट करेंगे, उसका भी कट करेंगे, दोनों को मैच करा के देखेंगे उसमें लगभग सही एक ही तरीके के एंटीजन वगैरह है या नहीं है, कैसा क्या है, सब सेम है कि नहीं है ठीक है, वो मैच करा के उनका वो हमारी अलग भाषा होती है ठीक है, कैसे मैच होता है तुम लोग क्या होता है इसलिए मतलब ही नहीं है तुम्हें बताने का ठीक है। तो बस इतना समझना कि वो टिश्यू को मैच कर लेते हैं, किसके किडनी के टिश्यू को मैच कर लेंगे, ब्लड ग्रुप मैच कर लेंगे, ब्लड ग्रुप तो जानती हो भाई, ब्लड ग्रुप मैच होता है, मैच करने के बाद फिर उसको कह देते हैं हाँ भैया तुम आ जाओ और कल से किडनी दे देना, हमारा काम होता है ठीक है। तो मैचिंग होकर ही किडनी दी जाती है रिजेक्ट, और अगर वो मैच नहीं खा पाई तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, जरूरी नहीं है कि माँ बाप तक की किडनी रिजेक्ट हो जाती है, तो ये बात की गारंटी देता हूँ मैं, माँ बाप की भी कई बार किडनी रिजेक्ट हो जाती है तो आगे तो छोड़ो ठीक है। कई बार माँ बाप की भी क्यों, क्योंकि वो मैच ही नहीं खा रही, माँ बाप की तक मैच नहीं खा रही, कई बार ऐसा होता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर आ रही है ना। हाँ सुनना भाई, अब क्या था सबसे पहले है ना, कहाँ पर थे भैया? टिश्यू मैचिंग करा लेना ठीक है, कई बार पेरेंट्स की भी क्या होती है किडनी मैच नहीं कर पाती, वो मैच करके देखते तो कई बार पेरेंट्स की बता जाएगी वो भी किडनी मैच नहीं कर पाती, तो बेटा इस केस में कई बार जो लेगा वो निपटता है, जो लेगा ना किडनी वो निपटता है, ये बात ध्यान ठीक है, और जो देगा वो नहीं निपटेगा ठीक है, जो लेगा वो निपट जाता है ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट टू टेक द इम्यून सप्रेसेंट, और सुनो देखो आप चलो आप किडनी ले भी लोगे ना अपने माँ बाप की ले लो चलो, लेकिन तब भी आपको दवाइयां लेनी, लगभग आपको लगभग समझ लो एक साल ठीक है, एक साल तक बहुत आसान काम नहीं होता किडनी ट्रांसप्लांट करना या क्या, तो बेटा आपको ये दवाइयां ये मेडिसिन है, क्या है मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन है सर? तुमने राइटिंग अच्छी लिख लेते ताकि तुम लोग समझ पाओ भाई, मुझे पता है तुम एकदम तो पढ़ोगे नहीं, साल के एंड में पढ़ोगे तो तुम्हें पता था पढ़ना चाहिए मेडिसिन लिखा है ठीक है। चलो चलो मेडिसिन जो लेते हो बेटा इम्यून सप्रेसेंट्स, क्या इम्यून सप्रेसेंट्स जो होते हैं बेटा इम्यून सप्रेसेंट्स क्या होते हैं, मेडिसिन होती है ये लेनी पड़ती है, ये क्या करती है इम्यून सप्रेसेंट्स बेटा, इम्यून सिस्टम को नाम से समझ में आ रहा है बेटा, सप्रेस कर देंगी, बायोलॉजी बहुत ईजी है साफ साफ बता रही है भैया, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग्स लेंगे ठीक है, वाली मेडिसिन लेंगे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, WBC थोड़ा शांत हो जाएगी, शांत कर देगी WBC ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ अभी हमने कोई नया ऑर्गन डाला है वो भी शांत रहना कुछ मत कहना, तो हमें पता है इतना सप्रेसेंट ड्रग्स कहती है मेडिसिन जो है वो WBC से कहती है, हमें पता है कि ये ना तुम्हारा ये ऑर्गन नहीं है लेकिन उसको छेड़ना मत, कहना नहीं इससे कुछ WBC से कहती है, कौन ये वाली मेडिसिन
हमें पता है ये ऑर्गन तुम्हारा नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है शांत रहना, ठीक है, मेडिसिन कहती है इससे, डब्ल्यूपीसी से शांत रहो, तुम अटैक मत करना इस पे, ठीक है, अभी अटैक मत करना, बाद में अटैक करना, उसको दिलासा देते हुए हाँ थोड़ी देर बाद अटैक करना, थोड़ी देर बाद अटैक करके उसको फिर ना ऐसा, फिर उसके अंदर भी चेंज आते हैं ऑर्गन के अंदर भी, फिर ऑर्गन भी कुछ चेंजेस कर करके वो हमारी बॉडी के प्रति वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर डब्ल्यूपीसी कहती है अब क्या अटैक करूं भैया, ये तो अपने जैसा ही अपना काम कर रहा है, अपना भाई बन है, चलो भाई पड़े रहने निपटा, तो ऐसे करके ये ऐसे काम चलता है पूरा इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, इम्यून सप्रेसेंट्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे, वीक कर देंगे, सिस्टम को सप्रेस कर देंगे या वीक कर देंगे, सप्रेस, ठीक है, सप्रेस कर देंगे, ठीक है, या फिर वीक कर देंगे, या फिर वीक कर, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं फिर ज्यादा ले लेते हैं, दो लोग एक दिन में दो चार लोग अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया, फिर मान लो कभी तुम वो इसके खिलाफ तो काम नहीं कर रहे, ठीक है, किसके खिलाफ काम नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारी किडनी के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे, लेकिन अब वो किसके खिलाफ काम करने लगेंगे, बैक्टीरिया कोई दूसरा आ गया, कोई बैक्टीरिया टाइफाइड का आ गया मान लो, सर आपको टाइफाइड के बैक्टीरिया से बड़ा प्यार है, नहीं वो तो क्या है मुझे हो चुका था इसलिए थोड़ा बहुत के समझना, ठीक है, टाइफाइड का या कोई चलो निमोनिया का ले लो आज, चलो आज नया ले, ठीक है, तो निमोनिया का बैक्टीरिया आ गया, तो निमोनिया का बैक्टीरिया आ गया मान लो, तो बेटा वो निमोनिया के बैक्टीरिया को वो अब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ डाला है, डब्ल्यूबीसी सप्रेस हुई डली है, सब डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सप्रेस हो गई है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काम करनी रही वीक हो चुकी है डब्ल्यूबीसी, अब तुम्हारा बैक्टीरिया आ गया, क्यों सप्रेस क्यों हुई, वीक क्यों हुई डब्ल्यूबीसी, क्योंकि तुमने क्या खाई है मेडिसिन, कौन कौन सी, इम्यूनो सप्रेसेंट्स, यानी इम्यून को या डब्ल्यूबीसी को सप्रेस करने वाले, डब्ल्यूबीसी को वीक करने वाली दवाइयां खा ली तुमने, तो बेटा वो तो ठीक है, अब वो किडनी को तो नहीं मारेंगी क्योंकि खुद ही वीक डली है, हाथ पैर नहीं चला पा रही, ठीक है, लेकिन लेकिन बेटा लेकिन अब वो जो दूसरा बैक्टीरिया आएगा जो डिसीज करने आया है, बैक्टीरिया कहता है जो बैक्टीरिया आया निमोनी भैया मैं तो निमोनिया फैलाने आ चुका हूँ, तो डब्ल्यूबीसी कहती है भाई साहब हमारे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, हम कैसे तुमसे लड़े, हमारे तो हाथ पैर ही बांध दिए गए हैं, ये दवाइयां खा खा के बैठा है, पगला दवाइयां खा खा के बैठा है, हमारे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, वो बैक्टीरिया आ रहा है, और बैक्टीरिया आ रहा है उसको मान नहीं रहे, उसको बैक्टीरिया को मान नहीं रहे, बैक्टीरिया आ रहा है इधर, अपनी अपना डब्ल्यूबीसी लड़ नहीं पा रहा, हाथ पैर ही नहीं मार पा रहा, बेटा अब ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने आया था निमोनिया से निमोनिया कॉज कर देगा, निमोनिया से भी डेथ हो जाए, कई बार ऐसे भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, तो मैंने तुम्हें वाला केस भी बता दिया क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैंने आपको थोड़ा वो कर दिया कि भाई थोड़ा ये भी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, तो ऐसे भी केस आ सकते हैं, तो ये कई इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ज्यादा इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स भी नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा बेटा मैं, समझ में आ रहा है ना सबको क्या बोल रहा हूँ, यस सर, चलो अब समझना बेटा, देखो अब सुनो, दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं बाकी सब तो मजे ले रहे हैं नींद कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं, राजू श्रीवास्तव बन के बैठे हैं यहाँ पर, फिर भी बच्चे उनको मतलब नहीं है सर, क्या राजू श्रीवास्तव बन जाओ, चाहे तुम जॉन्टी रूट्स बन जाओ, चाहे तुम बन जाओ बीबी के वाइंस, हमें पढ़ने से मतलब ही नहीं है, क्यों यही है कारण तुम्हारे, हमें पढ़ने से दूर दूर तक का नाता नहीं है पढ़ने से, ठीक है, सुनो भाई चलो आवाज ऑफ कर लो भाई, ठीक है, अब समझो बेटा, अब देखना अब क्या हुआ, अब देखो क्या होता है, elsewhere body with differential body self and non-self and graft rejection with self, देखो अब क्या होता है कि सबसे पहले मैंने बताया, अगर तुमने ले ली बेटा दोस्त के साथ तुमने हरकत करी, तो बेटा हमारी बॉडी क्या पहचानने में क्षमता है, हमारी बॉडी के पास क्षमता है, बेटा ये तेरा तो है नहीं, कहां से चुरा के लाया है, तो कहां से चुरा के लाया, तेरा तो है नहीं है, चलो बेटा डब्ल्यूबीसी तैयार हो जाओ और इसका ग्राफ्ट का रिजेक्शन करो, ग्राफ्ट का रिजेक्शन करो यानी किडनी का रिजेक्शन करो, किडनी का रिजेक्शन करो कैसे करोगे, वही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डब्ल्यूबीसी, कह तो रहा हूँ डब्ल्यूबीसी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो खाना चालू कर देंगी किडनी को, क्या करने चालू कर देंगी, क्या टॉक्सिन्स रिलीज करेंगी, क्या खाना चालू कर देंगी किसको, किडनी के सेल्स को, तो नई तुमने किडनी डाली है ना, नई किडनी के सेल्स को खाना चालू कर देंगी, ठीक है, निपटा देंगी पूरी किडनी को, रात में अपना पेट भोजन पूरा कर लेंगी, आई बात समझ में बेटा, तो बेटा ये किसकी कैपेबिलिटी है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानना, डिफरेंस कर पाना, ये किस और किसकी कैपेबिलिटी है बेटा, ये बॉडी की कैपेबिलिटी है, और बेटा जैसे ही उसको नॉन सेल्फ मिलता है, कोई नॉन सेल्फ मिला तो वो ग्राफ्ट को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, और ठीक है, और सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है, सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी डब्ल्यूबीसी की हेल्प से वो मारती है, किसकी हेल्प से, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो किडनी को पूरा निपटा देंगी बेटा, किसको निपटा देंगी बेटा, किडनी को पूरा
निपटा दी। आई बात समझ रहे बेटा, केडी को पूरा निपटा दी। अब चलो इसको निपटा देंगे, ये डब्ल्यूबीसी है बेटा, सेल मीट सेल है तो बेटा सेल मीडिएटेड क्या होगा बेटा, सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड। आई बात समझ में बेटा, सेल अब समझना, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा, ये सेल मीडिएटेड सेल मीडिएटेड यानी डब्ल्यूबीसी खा रही है उसको, खा जाएंगे लिख तो खा जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, डरते क्या अपन, लिख तो खा जाएंगे ठीक है। बात समझ में आ गया भाई, इतना बात किसको समझ में नहीं आई, किसको नहीं समझ में आई है, किसको समझ में नहीं आई है सर? हाँ सर, हाँ बोलो सर, टू अवर्ड वाली लाइन समझ नहीं आया थोड़ा मुझे, टू अवर्ड कॉम्प्लिकेट बेटा, ये लिखी हुई है ये लाइन, क्वेश्चन लिखी हुई है लाइन, ये लिखी हुई है कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना बेटा, तो मतलब डेथ वेथ हो जाना कॉम्प्लिकेशन ही तो है, डेथ हो जाना या तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा वीक हो जाओगे ठीक है, तुम्हारा सिस्टम सब सब कॉम्प्लिकेशन होंगे, अगर मान लो किडनी किडनी के ऊपर अटैक हो रहा है या इम्यून सिस्टम बहुत एग्रेसिव हो गया है तो बेटा तुम्हारे ऊपर ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, तुम्हारे को बुखार आने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी होने लगेगी, तो बेटा ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टिश्यू मैचिंग कराते हैं, खून आने लगेगा तो बहुत सारे उल्टे सीधे काम होने लगेंगे तुम्हारे साथ, पता पड़ जाएगा किडनी रिजेक्ट हो रही ठीक है, किडनी के खिलाफ हथियार षड्यंत्र रचा जा रहा है ठीक है, वो तुम्हें कैसे पता पड़ेगा, हमारी बॉडी दिखाएगी अलग ही, खून निकलने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा, ये सारी वो दिखाने लगेगी अपने सिम्टम, तो उससे बचने के लिए टिश्यू मैचिंग कराओ या ग्रुप ब्लड ग्रुप मैचिंग कराओ, ऐसे ही तुमने ब्लड ग्रुप ऐसे ही दे दोगे ना बेटा वो भी निपट जाएगा, ब्लड ग्रुप भी ऐसे मत देना, ब्लड ग्रुप भी ऐसे कल मत देना, नहीं तो ब्लड ग्रुप निपट जाओगे, ब्लड ग्रुप की भी मैचिंग होती है, ए का बी नहीं होना चाहिए, बी का सी नहीं होना चाहिए, सी का होता ही नहीं है, अरे हाँ मतलब ए का बी नहीं होना चाहिए, बी का ए बी नहीं होना चाहिए या ए बी का ओ नहीं होना चाहिए, चार प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ए ए बी और ओ ठीक है, चार प्रकार के होते हैं, तो चारों के तारों जैसे आई बात समझ में बेटा, आ गया yes, sir. और पूछो किसको और पूछना है भाई, और पूछ लो कुछ, लास्ट वाला पॉइंट, और लास्ट वाला पॉइंट समझाते हैं, कोई और पूछ लो, कोई किसी और पूछना है, कोई आला भी पॉइंट बता देना ठीक है, कोई आला पॉइंट पूछ लेना, आला पूछ लिया एक, कोई आला पॉइंट पूछ लेना, तो दोबारा रिपीट करा देना, तीन बार रिपीट करा देना, चलो ठीक है सुनो, डब्ल्यूबीसी किसने बनाया, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी किडनी में पाया जाती है, किडनी में पाए जाते हैं, किडनी खा लेते हैं, किडनी मार लेते हैं, मार जाते हैं, किडनी को मार देते हैं, किडनी को खा जाते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं बेटा, और बेटा ब्लड बेटा ये डब्ल्यूबीसी किडनी तक कैसे पहुंचेंगे बेटा, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगे किडनी के पास, किडनी में थोड़ी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी है, तुम हमारी किडनी लगाओगे तो ऐसा तो है नहीं, फेविक्विक से किडनी बांधोगे लो भैया रस्सी से बांध दी, ऐसे तो करोगे नहीं, जो ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स कनेक्ट करोगे, जो किडनी की ब्लड वेसल्स होगी, किडनी के जो ब्लड की सप्लाई होगी और जो हमारी ब्लड सप्लाई होगी, दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तुमने कलेक्ट किया वही हड़कंप हो जाएगा, क्यों, तुम्हारा ब्लड जाएगा किडनी के अंदर, जब तुम्हारा ब्लड किडनी के अंदर जाएगा तो वो वहां पर तुम्हारा ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी बैठे है, वो किडनी के जो वो किडनी की सरफेस पर घूमेंगे, किडनी को देखेंगे, किडनी के सेल्स को देखेंगे, जब वो जाएंगे ब्लड ऐसे होते हुए जाएंगे, कैसे, जब किडनी से जाएंगे हमारे ब्लड्स, जब किडनी से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, हमारा ब्लड जब किडनी में ट्रांसपोर्ट होगा, जब जो दूसरे की किडनी आई है उसमें जब ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो हमारे जो डब्ल्यूबीसी होंगे वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, आ तो जाएंगे गुफा के अंदर, किस गुफा के अंदर, किडनी के अंदर, किडनी की गुफा के अंदर आ तो जाएंगे, लेकिन देखते हुए जाएंगे भाई साहब ये गुफा हमारी तो नहीं लग रही, किसी और की गुफा लग रही है, लगता है कहीं पहली बार कहीं जगह पर आ गए यार, ये गुफा को निपटाओ, गुफा को क्या करो, इस गुफा को निपटाओ, इस किडनी को निपटाओ, ये हमारी नहीं लग रही, मैं बात करती हूँ भाई टी से, बात करती हूँ टी किलर हेल्पर से, बात करती है दोनों एक दूसरे से, बात करती है सारी सारी सेल्स ब्लड के अंदर बात करती है, भाई साहब तुम जिस गुफा के अंदर आई हो
किडनी के अंदर आई हुई है, किडनी तुम्हारी लग रही है कि अपनी 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 शरीर की लग रही है किडनी जिसके अंदर अपन आए हैं, लग रही है। साइटोकाइन से ऐसे बात नहीं करती डायरेक्ट मुंह से, वो साइटोकाइन से बात करती तभी समय हमें सुनाई नहीं देती, नहीं तो बेटा वहां सुनाई देती वो जो बात कर रही होती, वो साइटोकाइन की हेल्प से बात करती है यार हमारे तो निकल नहीं गया अंदर आए, चलो उसको निपटाते हैं, बात करती हूँ तुम भी बात करो, मैक्रोफेजेस से बात करो, तुम टी टी किलर से बात करो, मैं टी हेल्पर तो हूँ ही, नारद मुनि हूँ मैं, सबसे सबको फैलाते जाती हूँ बेटा, सबको अनाउंसमेंट कर देती हूँ माइक लेके, भैया देखो जिसके अंदर तुम लोग आए हो वो है ना उसका निपटारा करो, इसका निपटारा करो, इस पूरी किडनी का निपटारा करो जिसके अंदर तुम आए हो, भेजेगा जो ठीक है क्योंकि ये किडनी हमें लग नहीं रही अपनी, निपटारा करो, निपटा देते हैं बेटा, निकल गए ब्लड से बाहर निकल निकल के, ठीक है समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ब्लड आया ब्लड किडनी के अंदर आया, ये किडनी के अंदर घुसेगा तो नहीं, किडनी के अंदर जब ब्लड घुसा तो बेटा ये किडनी के अंदर जो ब्लड घुसेगा तो ये यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी होगी व्हाइट तो कलर का नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है व्हाइट कलर की नहीं बन पाएंगी, क्या तुम सोचो सर व्हाइट कलर की बनाओ, जो व्हाइट कलर की नहीं बन पाएगी, अब ये जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो किसके ऊपर अटैक करेंगी, ये डब्ल्यूबीसी किसके ऊपर अटैक करेंगी भाई, ये डब्ल्यूबीसी निकल के बाहर निकल निकल के अटैक करेंगी, मारती जाएंगी बेटा लगे 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 थप्पड़ लगे लगे चप्पल सब मारती जाएंगी और उसको काट करके पूरी किडनी को नष्ट कर, पूरी किडनी को निपटा दे, आई बात समझ में, क्यों सर ये गई कैसे बेटा, ये किडनी तुम कैसे किडनी डाली जाती है समझना, ये किडनी की ब्लड वेसल्स होगी, ये किडनी की ब्लड वेसल होगी और बेटा ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों को क्या कर दिया जाएगा कनेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो तुम्हारा जो ब्लड होगा जो डब्ल्यूबीसी होगी वो भी क्या जा पाएंगी अंदर जा पाएंगी, किसके अंदर जा पाएंगी किडनी के अंदर जा पाएंगी, और किडनी को किडनी के अंदर जाएंगी तो बेटा किडनी से थोड़ा बहुत बाहर निकल के किडनी से थोड़ा बाहर निकल के किडनी को निपटा देंगे टुकड़े 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 कर देंगे, आई बात समझ में इतना सबको क्लियर है, अरे सबको क्लियर है, सबको आ गया, अब बताओ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो पूछ लो सर, सर पहले सर 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 लेडीज से सर जो सर लेते हैं सर अगर मैचिंग नहीं होती है सर वो सर नहीं डालते हैं सर ऑर्गन्स अपनी बॉडी में सर, लेकिन सर कई बार सर ऐसा होता है सर आर्टिफिशियल भी ऑर्गन डाल दिए जाते हैं सर, आर्टिफिशियल की अलग बात होती है, आर्टिफिशियल ऑर्गन उस पे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नहीं करती है सर, नहीं आर्टिफिशियल पे क्या होता है करती है लेकिन क्या होता है कम एज कम्पेयर टू अदर, आर्टिफिशियल ऑर्गन जो क्या होते हैं देखो बात होती है सेल से सेल तक, काय की बात होती है सेल से सेल तक, ठीक है अब बात क्या होती है सेल से सेल तक की, तो सेल सेल से सेल तक तो उसको मार देंगे भाई, सेल की बनी होगी कोई चीज तो मार देंगे, अब सेल की चीज जैसे छल्ला लगाते हैं हर्ट में, हर्ट में छल्ला लगाते हैं यानी हर्ट में अपन एक पाइप डालते हैं, तो वो पाइप जो होगा पाइप के खिलाफ लड़ नहीं पाएगी डब्ल्यूबीसी, और लड़ेगी भी कैसे, क्या पाइप को मार देगी डब्ल्यूबीसी, छेद कर देगी पाइप के अंदर, नहीं कर पाएगी जैसे कर देते हैं, तो ऐसी ऑर्गन अगर अपन कोई लेते हैं आर्टिफिशियल वगैरह लेते हैं तो वो आर्टिफिशियल जो किडनी होती है वो ज्यादातर वाले सेल्स की बनी नहीं होती, या फिर कई बार आर्टिफिशियल किडनी ऐसे भी बनाई जाती है कि भैया किडनी की बात कर रहे हो तो बेटा किडनी तो सेल से ही बनेगी, कुछ और चीजें डालते हैं जैसे अपन पेस मेकर लगा देते हैं, मशीन डाल देते हैं अंदर, ठीक है हार्ट की मशीन पेस मेकर डाल देते हैं, तो वो तो अलग ही इंस्ट्रूमेंट ही अलग होता है, सेल डले रहते हैं उसके अंदर, तो बेटा वो तो फिर इंस्ट्रूमेंट ही अलग हो गया, वो तो सेल्स का बना ही नहीं है, मतलब वाले सेल नहीं डल रहते, मैं वाले सेल की बात कर रहा हूँ, कौन से सेल, वो बिजली से जो चलते हैं वाले सेल डले रहते हैं, वो अलग चीज है, और वाले सेल यानी अपनी बॉडी के सेल वो अलग होते हैं, ठीक है अगर मान लो इसमें क्या केस होता है समझना, देखना ज्यादा तेज तो नहीं बोलना मैं, नो सर नो सर, हाँ बता देना अगर मैं ज्यादा तेज चल जाता हूँ कई बार, क्या होता है बेटा जैसे आपकी कोई किडनी है, अब किडनी के हम ऐसे सेल्स या कई बार हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी भी ऐसे बनाते हैं तुम्हारे तुम्हारे किडनी के सेल्स लिए या लिवर के सेल लिए, उन सेल्स को हमने रेप्लिकेट करा करके पूरी किडनी बना दी, कई अब ये टेक्नोलॉजी बन गई है बिल्कुल, आपने किडनी से सेल लिया बचपन में भी कई बार, अब क्या होते हैं सुनो अब आजकल सिस्टम बन गया बेटा, देखो क्या बनता है अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका क्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या चल रहा है, अमिताभ बच्चन के घर में बता रहा हूँ क्या चल रहा है, अमिताभ बच्चन की तुम्हारे चाहे अमिताभ बच्चन की बहू की बात कर लो चाहे तुम मैंने उसकी आराध्या की बात कर लो, आराध्या की बात कर रहा हूँ, जानते हो आराध्या को, जानते हो आराध्या को, हाँ तो बेटा अभिषेक
ऐश्वर्या और अभिषेक की बेटी के बेटा आराध्या, उन्होंने क्या किया, सभी आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके लिए स्टेम, उसके सेल्स ले लिए, स्टेम सेल्स, क्या लिए, स्टेम सेल्स ले लिए, और बेटा वो स्टेम सेल्स लेकर के सीधा प्रिजर्व कर दिया उसको, ठंडा ठंडे ठंडे नाइट्रोजन में प्रिजर्व करने के लिए रख दिए, और ये प्रिजर्व रहेंगे बेटा, क्या रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। और अब ये जो सेल्स होंगे ना, मान लो ये सेल लिया अपन ने, और वो सेल लेकर के 15 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, मान लो अयोध्या की किडनी नहीं पड़ जाती है, मानो अयोध्या की किडनी नहीं पड़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल क्या करेंगे, एक सेल लेंगे यहाँ से, एक सेल लेंगे, और उस सेल को लेकर के हम उसको करवाएंगे प्रोड्यूस। तो इस सेल के पास सारी क्षमता है, इस सेल जो, ये जो सेल है ना, ब्रेन बना सकती है, ये सेल किडनी बना सकती है, लिवर बना सकती है, सब कुछ बना सकती है। और बेटा ये जो सेल है सब, इसे कहते हैं स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के पास सारी क्षमता होती है, कुछ भी बना सकती है वो, क्योंकि हम, तुम भी जानते हो हमारी बॉडी एक ही सेल से बनी थी, जायगोट से, क्योंकि एक ही सेल से बनी थी स्टार्टिंग में, वो एक ही सेल डिवाइड कर करके उसने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से उसने बॉडी बनाई, ठीक है, तो पूरा स्टार्टिंग हमारी एक ही सेल से बनी थी, वही अगर आप सेल ले लोगे तो पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी, यहाँ तक कि दूसरी अयोध्या भी निपटा से बना सकते हो, अगर आप चाहती है ना अयोध्या की कॉपी बन जाए तो अयोध्या की कॉपी भी बन सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आगे चल के ये भी बन सकता है कि अयोध्या की कॉपी बन जाएगी, छोटी अयोध्या, अयोध्या खुद ही कोई बीमारी है, छोटी अयोध्या, समझ रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल्स लिया, जब भी जरूरत पड़ी 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी अयोध्या की किडनी निपटी तो इसने स्टेम सेल्स लिए, उन स्टेम सेल्स से क्या बना दिया, एक दोबारा नई किडनी बना डाली, नई किडनी बना डाली, और फिर वो डायरेक्ट अयोध्या को ट्रांसप्लांट कर दी, ये आर्टिफिशियल किडनी है बेटा, वो डायरेक्ट अयोध्या को डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, फिर अयोध्या, ये बात समझ में आ गई, क्या बोला मैंने, क्या बोला, समझ में आई, अयोध्या के स्टैम्स, सर स्टेम सेल सर होती कहाँ है सर बॉडी में, बेटा वो बचपन में निकाले जाते हैं, बचपन में, अब हमारी बॉडी में भी होते हैं, कई जगहों पर अभी भी हैं, चाहो तो निकाल निकाल सकते हो, पर वो अभी हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है वाला, वो कई विदेश में पॉसिबल है कि हमारे कुछ, और लिवर में तो पॉसिबल है, लिवर का सेल कर सकते, लिवर का सेल अगर आप निकाल लोगे ना वो दोबारा रीजनरेट कर देगा लिवर, ये बात, लिवर में रीजनरेशन पावर है, यही होता है बेटा कि आप रीजनरेट कर सकते हो और आर्टिफिशियल किडनी का भी सहारा ले सकते हो। तो आर्टिफिशियल किडनी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, इस तरीके से डिजाइन की, कई बार दूसरे सेल्स की भी आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है, वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है, या वही सेल्स लेकर बनाई जाती है जो है ना आपको मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा इम्यून सिस्टम, उसके खिलाफ लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो लगभग बराबर, हम है ना, हम क्या करते हैं आजकल, इम्यून सिस्टम को उल्लू बना रहे हैं, ये तो इम्यून सिस्टम को उल्लू बनाया जा रहा है, हम ऐसे बिल्कुल ऐसा सिमिलर हम किडनी डाल देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी ऐसी सिमिलर डाल देते हैं हम, भैया वो कहती भाई साहब ये तो पता ही नहीं पड़ता, वो कहती है भाई साहब ये तो हमारी, हमारे ही सेल्स लग रहे हैं, सब कुछ हमारा ही लग रहा है भाई साहब, हम क्या इसके खिलाफ एक्ट करें, तो हमारा ही लग रहा है, हमारे हिस्सा लग रहा है, हम इसके ऊपर क्यों मारे, तो वो फिर इम्यून सिस्टम उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, इम्यून सिस्टम उसके ऊपर एक्ट नहीं, ये आर्टिफिशियल किडनी की कहानी है, बहुत महंगी बनती है आर्टिफिशियल किडनी, लेकिन बनती है, और बाहर अमेरिका में बहुत ज्यादा चलन है इसका, यहाँ पर इंडिया में ज्यादा आर्टिफिशियल किडनी का चलन नहीं है, वो तो ज्यादातर ट्रांसप्लांटेशन से काम चला रहे हैं, कैसे काम चला रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन से काम चला रहे हैं, किडनी का एक से दूसरे दूसरा से दूसरा इंडिया में यही चलता है, ठीक है, वो बहुत महंगी आती है, ठीक है, आर्टिफिशियल की समझ में आ गया, ठीक है। और तुम सच बात तो ये वाली कि बात समझ में आ गई बेटा, क्या बोला, समझ में आ गया, यस सर, यस सर, तो उसको हटा दूं, सबको आ गया, क्लियर हो गया, कौन एक्सप्लेन करेगा उसको, आप तो सारे घर घर पर ही हो, रास्ते से आ रहे,